Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to discuss with you class 7th English chapter number 2nd and chapter name is Brave in Life, Brave in Death. It means जीने में भी बहादुर और मरने में भी बहादुर, कहने का मतलब पूरे लाइफ में भी बहादुरी का काम किया और मृत्यु भी बहादुर से ही प्राप्त की। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और आल एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात, आज मैं चैप्टर की फुल रीडिंग नहीं करूंगा, हिंदी में आपको पूरी की पूरी कहानी शॉर्ट आउट करके बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी, आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समरी ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर दिस देर इज गिवन 4.5 एंड यू हैव टू टेल मी विच डिड यू सपोज इट्स अ मोस्ट बेवरेस्ट वर्क। आपको बताना है कि कौन सा काम सबसे बहादुरी वाला काम होता है। अ मैन रस्ट अक्रॉस द रोड टू हेल्प अ लेडी हु हैज फॉलन डाउन। एक व्यक्ति रोड क्रॉस करके एक गिरी हुई महिला को उठाता है, क्या यह सबसे बहादुरी का काम है? या फिर अ चाइल्ड जंप आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो टू कैच अ स्क्वायरल, अथवा एक बच्चा अपने क्लासरूम के विंडो से जंप करके एक स्क्वायरल गिलहरी को पकड़ता है, क्या यह बहादुरी वाला काम है? थर्ड वर्क, अ यंग गर्ल्स रिस्क हर लाइफ टू सेव हर यंगर ब्रदर फ्रॉम फायर। एक लड़की अपने जीवन को जोखिम में डाल करके अपने छोटे भाई को आग से बचाती है, क्या यह सबसे बहादुरी वाला काम है? या फिर अ पायलट मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ 200 पैसेंजर अब्रॉड। या फिर एक पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के द्वारा लगभग 200 विदेशी नागरिकों को बचाता है, क्या यह बहादुरी का काम है? डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि कौन सा कार्य इसमें से आपको सबसे ब्रेवरेस्ट डिड लगा और क्यों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे हम बढ़ते हैं इसके समरी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है नीरजा भनोट नाम की एक गर्ल्स लड़की की, जिसके माता पिता हरीश और रामा भनोट थे। 7 दिसंबर 1963 को नीरजा भनोट का जन्म हुआ चंडीगढ़ में। बाद में उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। नीरजा बचपन से ही बड़ी दयालु और बड़ी भावुक लड़की थी और अंदर से बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। 1985 में उसकी शादी हो जाती है और वह अपने पति के साथ ही गल्फ में, यहाँ पर गल्फ दिया है, गल्फ खाड़ी में रहने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, शादी के लगभग 2 महीने बाद नीरजा वापस अपने माता पिता के घर मुंबई में, मुंबई अब नाम है, पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे लौट आती है। क्यों? रीज़न था डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा की वजह से उसका हस्बैंड और घर वाले उसको परेशान करते थे, इस वजह से वह घर अपने घर वापस आ गई। तो अपने पति से अपमानित होकर वह अपने माता पिता के घर वापस आ गई और दोबारा वहाँ न जाने का निर्णय लिया। देन आफ्टर नीरजा ने यह फैसला किया कि वह मॉडलिंग करेगी अब, और साथ ही साथ उसने फ्लाइट पर्सर की ट्रेनिंग भी ली। फ्लाइट पर्सर कौन होते हैं बेटा?
यहाँ मीनिंग दिया है हेड फ्लाइट, यहाँ पर देखिए हेड फ्लाइट अटेंडेंस, फ्लाइट का हेड होता है, तो उसकी भी साथ में निर्जा ने ट्रेनिंग लिया। पहले बच्चों 5 सितंबर 1986 की बात है, जब वो मॉडलिंग की शूटिंग से लौट रही थी तो उस समय शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट। तो फ्लाइट में उस समय वह एक सीनियर के तौर पर कार्यरत थी, और जब फ्लाइट कराची पहुंची तो वहां पर 4 आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, मीन्स फ्लाइट का अपहरण कर लिया और सारे पैसेंजर को अपने कब्जे में कर लिया। निर्जा सारी बात समझ चुकी थी, वह कॉकपिट में जहाँ पायलट की सीट होती है वहाँ पर क्र्यू मेंबर होते हैं, कॉकपिट में जाकर उनको सूचना देने का प्रयास किया, पायलट को बताया जाए कि पायलट हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, लेकिन टेररिस्ट उसको नहीं जाने दिए, रोक लिए। लेकिन निर्जा किसी तरीके से हाईजैक कोड के माध्यम से, बेटा कोड होता है हर प्लेन में, कोड दिया जाता है हर किसी का कार्य का, जिससे इशारे के माध्यम से संदेश को पहुंचाया जा सके। तो हाईजैक कोड के माध्यम से वह किसी तरीके से संदेश को कॉकपिट तक, पायलट तक पहुंचा दी। अब पायलट मेंबर लोग सब जान गए कि हमारा प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, और वे लोग उस समय उस प्लेन में लगभग 360 पैसेंजर थे और 13 क्रू मेंबर थे, जो टेररिस्ट का नाम सुनते ही छोड़कर भाग लिए। निर्जा ने क्या किया? निर्जा एक सीनियर लीडर के रूप में मोर्चा संभाला और उसने पैसेंजर को हिम्मत दिलाए कि आप सब शांत रहें, कुछ नहीं होगा। अपने अंदाज में उन्होंने पैसेंजर का भरपूर साथ दिया और निर्जा को एहसास हुआ कि ये लोग कहीं अमेरिकन पैसेंजर को नुकसान न पहुंचा दें, चोटिल न करें। इसलिए निर्जा बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे करके इशारे के माध्यम से अमेरिकन पैसेंजर के पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन को ले लिया और छुपा दिया, ताकि टेररिस्ट यह पहचान न कर पाए कि इनमें से कौन अमेरिकन है। अब लगभग हाईजैक किए हुए 17 घंटे हो चुके थे और पैसेंजर